दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी 5000 मुर्गियों के लिए, हमें अगर इसी पोल्ट्री फार्म अगर बनाना है तो उसमें टोटल कितना खर्चा लगेगा और कौन से इक्विपमेंट कितने लगेंगे, दोस्तों उसका जो है सेकेंड लास्ट पार्ट है। और जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो है कि हमें फीडर का कैलकुलेशन किस प्रकार से रखें, 5000 मुर्गियों के लिए हमें कितने फीडर की आवश्यकता होगी, जो 8 केजी वाले फीडर हैं, और कितने टर्बो फीडर की आवश्यकता होगी और कितने चिक ड्रिंकर की आवश्यकता होगी, दोस्तों उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो दोस्तों अब हम शुरुआत करते हैं कि देखिए 5000 हम बच्चे डाल रहे हैं उसमें हम 40 से भाग करेंगे। वैसे दोस्तों 35 से 40 जो है एक एवरेज रहता है, किंतु अगर हम 40 बर्ड अगर एक फीडर के ऊपर है तो सफिशियंट रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 40 बर्ड आसानी से जो है एक फीडर के ऊपर दाना खा सकते हैं, क्योंकि एक जो है एक साथ में 40 बच्चे कभी भी दाना नहीं खाते, वो तो कोई पानी पे रहेगा कोई दाने पे रहेगा। इस प्रकार से जो आप देख सकते हैं, देखिए दोस्तों कोई कुछ पानी पी रहा है कोई दाना खा रहा है, तो इस प्रकार से जो है वो अल्टरनेट जो है सिस्टम उनका चलता रहता है। तो दोस्तों 5000 में हम 40 से भाग करेंगे, टोटल हमें 125 फीडर लगेंगे। तो अब 125 फीडर को हम किस प्रकार से फार्म के अंदर लगाएं ताकि 125 फीडर पूरे लग जाएं और बर्ड जो आसानी से दाना खा सकें। दोस्तों ये आप देखिए, अभी 30 फीट चौड़ा फार्म और 130 फीट लंबा फार्म कुछ इस प्रकार से बनेगा। दोस्तों मैं इसमें आप थोड़ा सा देखिए, ये 41 और 41 क्या है, ये फीडर अगर 125 में आप तीन से अगर भाग करेंगे तो 41 फीडर एक लाइन के ऊपर आएगा। और उन फीडरों के बीच में एक फार्मर भाई ने कमेंट किया था कि कितनी डिस्टेंस होना चाहिए। दोस्तों इन फीडरों के बीच में आपको जितने भी फीडर आपको दिख रहे हैं सभी के बीच में 3 फीट की डिस्टेंस है, तो इसमें भी आप कैलकुलेशन लगाएंगे तो आपको 3 फीट की डिस्टेंस मेंटेन हो जाएगी और बर्ड जो है आसानी से दाना भी खा लेगा और सफिशियंट दाना भी खा लेगा। दोस्तों एक लाइन में 41 फीडर लगेंगे, तो 1, 2 और 3 हम इस प्रकार से जो है दाने की लाइन हम लगा देंगे। तो दोस्तों और अब ये दूसरी जो लाइनें दिख रही है आपको, ये NNN जो 4 N दिख रहे हैं ये निप्पल की लाइन है, 1, 2, 3, 4। दोस्तों निप्पल पहले निप्पल मतलब पानी का, फिर दाने का, फिर पानी का, फिर दाने का, फिर पानी का, फिर दाने का, और लास्ट में फिर पानी का, मतलब कि पानी की लाइन 4 होती है। अगर 3 लाइन आपको अगर फीडर की लग रही है तो आपको दाने की लाइन, अगर 3 लाइन अगर फीडर की आपको लग रही है तो पानी की लाइन आपको 4 लगेगी, अगर आपको 4 लाइन अगर दाने की लग रही है तो आपको पानी की लाइन 5 लगेगी। दोस्तों सिंपल सा एक लाइन पानी की एक्स्ट्रा लगती है। तो दोस्तों ये मैंने बता दिया किस प्रकार से लगेगा, कितने फीडर लगेंगे। तो दोस्तों एक एक लाइन में 41 फीडर लगेंगे। अब दोस्तों इसमें हम देख लेते हैं टर्बो फीडर। दोस्तों जो छोटे आते हैं इसमें 2 से 3 किलो दाना आ जाता है, और वो सिर्फ पहले दिन से जब हम बच्चे रहते हैं पहले दिन से 12 दिन तक उसको चलाते हैं, उसका उपयोग हम टर्बो फीडर का यूज़ पहले 1 दिन से 12 दिन तक हम करते हैं। दोस्तों टर्बो फीडर जो हम 5000 में 50 से अगर भाग करेंगे तो हमारे 100 नग निकल के जाएंगे। दोस्तों हम टर्बो फीडर जो है 100 नग के एक नग के ऊपर 50 बर्ड आराम से दाना खा लेते हैं। तो हम इस प्रकार अगर देखेंगे 5000 बर्ड को हम 150 से भाग करेंगे, टोटल 100 नग हमारे टर्बो फीडर के आ जाएंगे। अब दोस्तों इसी के साथ में आएगा चिक्स ड्रिंकर। दोस्तों जो छोटे बर्तन जब हम पहले दिन से जब बच्चे आते हैं उससे 12वें दिन तक जो हम चिक ड्रिंकर में जो पानी पिलाते हैं, दोस्तों वैसे तो वो भी 50 बर्ड पर ड्रिंकर के हिसाब से ही कैलकुलेशन होता है, किंतु दोस्तों हम पहले दिन से निप्पल सिस्टम चालू कर देते हैं तो हम जो है 50 बर्तन भी अगर लगा देंगे 5000 मुर्गियों के ऊपर तो भी हमारा काम आसान हो जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि मुर्गियां जो है पहले दिन से निप्पल में पानी पीना चालू हो जाती है कर देती है और उसी के साथ में जो है वो ड्रिंकर में भी पानी पीते रहते हैं, तो इसलिए हमको ड्रिंकर भी लगाना ज़रूरी है और निप्पल तो हम लगा ही देते। तो दोस्तों अगर हम 50 ड्रिंकर अगर लगा देंगे चिक ड्रिंकर तो भी जो है हमारी मुर्गी आसानी से पानी पी लेगी और पानी की कमी से किसी प्रकार से उनको नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगा और पसंद आने के साथ में आपको समझ में भी आएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये तभी सफल हो पाएगा कि जब मैं वीडियो बनाऊँ और आपको समझ में आ जाए। अगर नहीं समझ में आए आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस पर कोशिश करूँगा और अच्छे से समझाने की, हो सकता है कि नए तरीके से समझा पाऊँ। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।